भाजपा ने यूपी के 6 क्षेत्रों से शुरू की जनविश्वास यात्रा। मथुरा में सीएम योगी तो अम्बेडकर नगर से जेपी नड्डा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गाजीपुर में स्मृति ईरानी तो झांसी में करजे राजनाथ सिंह। जनविश्वास यात्रा के मंच से एक बार फिर सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई को सही बताया और इसे नए भारत के लिए यूपी की कोशिश करार दिया। और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। मथुरा में जनविश्वास यात्रा शुरुआत करने के बाद सीएम योगी रथ पर सवार हुए और हाथों में गदा लेकर यात्रा का आगाज किया। इस दौरान मंच से सीएम ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर सपा पर निशाना साधा। क्या मतलब कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता। विजय संकल्प यात्रा शुरू करने से पहले मथुरा में भागवत भवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर की विशेष पूजा। जनविश्वास यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए बुआ बबुआ पर तंज कसा और कहा कि राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं करनी चाहिए। न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, हमें केवल बाबा चाहिए। बहनों भाइयों, रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हुई शामिल। जिले के रिफॉर्म क्लब में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम से पहले प्रियंका ने चिरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन किए। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने सोचा है कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए महिला घोषणा पत्र बनाया। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र, इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए। प्रियंका गांधी ने मंच से कहा, चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं और घोषणाएं करके भूल जाते हैं, हमें चाहिए विकास की राजनीति। चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से यह सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, हमें। सपा नेताओं पर आईटी के छापे को लेकर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, भाजपा को सता रहा चुनाव में हार का डर, इसलिए कर रही इन संस्थाओं का इस्तेमाल। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार करके यहाँ से जाएगी। अजय मिश्र टेनी को लेकर सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, क्या वजह है जो सरकार टेनी को बचा रही है? अखिलेश यादव ने लगाया फोन टेपिंग का आरोप। कहा, हमारे सपा कार्यालय के फोन सुने जा रहे हैं, हमारे संबंधियों के फोन भी सुने जा रहे हैं। संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है, इस सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है,